माघ शुक्ल पूर्णिमा पर 24 फरवरी को होली का डंडा रोपण के साथ फाल्गुन की बयार बहना शुरू हुई। मंदिरों में पूर्णिमा पर धार्मिक आयोजन हुआ। भगवान को नवीन पोशाक धारण कराकर पुष्पों से श्रृंगार और भोग लगाया गया। वहीं राजस्थान के सुमेरपुर के तखतगढ़ शहरों समेत ग्रामीण क्षेत्रों में पंडितों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर होलिका का दंडारोपण किया। पंडित सुरेश गौर ने बताया कि इस वर्ष 24 मार्च रविवार को प्रदोष व्यापिनी फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन रात्रि में भद्रा समाप्ति के 11:15 में किया जाएगा, क्योंकि इस दिन 9:56 रात्रि 11:14 और भद्रा रहने से गोधूली प्रदोष वेला में होलिका दहन नहीं होगा, इसलिए भद्रा के बाद ही श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। माघ शुक्ला पूर्णिमा को पूरे मारवाड़ सहित सुमेरपुर उपखंड तखतगढ़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में होली का रोपण किया गया। होलिका का डांडा विधि विधान से रोपा गया। आज से ठीक एक महीने बाद में 24 मार्च रविवार को पूर्णिमा व्यापिनी में होली का दहन किया जाएगा। भारतीय संस्कृति में एक पर्व है होली, जिसमें माघ महीना की पूर्णिमा को होली का रोपण किया जाता है। इसको एक माह बाद होलिका दहन किया जाएगा। ये भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। तखतगढ़ में राजस्व पटवारी में रघुवीर सिंह ग्राम प्रतिहारी और गांव चौधरी मिल के यहाँ पे होली का रोपण किया गया और एक माह बाद होलिका दहन का कार्य किया जाएगा।